हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की सिंघम अगेन का क्लैश होने जा रहा है। दोनों ही फिल्में इस साल 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन से जब पूछा गया कि वो इस क्लैश पर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है, मुझे लगता है कि दोनों ही फिल्में चल जाएंगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे उनकी भी फिल्म पसंद है, मैं वो भी देखने जाऊंगा, दोनों ही फिल्में चलने का बहुत स्कोप है। अब बात करें फिल्म धड़क 2 की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया है। अब इसे 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। मेकर्स की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। पहले धड़क 2 नवंबर को रिलीज होने वाली थी। अब बात करें पंचायत सीरीज की, तो बॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक सोर्सेज ने बताया है कि पंचायत सीरीज के चौथे सीजन का शूट 25 अक्टूबर से शुरू किया जाना है। अभी मेकर्स शो की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस सीजन में पुराने सभी किरदार लौटेंगे, साथ ही पंकज झा और स्वानंद किरकिरे भी अहम रोल में नजर आएंगे। अब बात करें फिल्म पूजा मेरी जान की, तो मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी की फिल्म पूजा मेरी जान इस साल नवम्बर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इसे 2025 की शुरुआत में रिलीज किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खबर मिली है कि ये फिल्म विकी कौशल की छावा के साथ क्लैश से बचने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। छावा 6 दिसंबर को रिलीज होनी है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना इन सभी फिल्मों को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।